ये मामला 2023 का था। 28/5/2023 को कबूल नाम के व्यक्ति परिवादी ने पुलिस थाना धनाऊ में एक रिपोर्ट दर्ज करवाई कि सलीम जो सैफल का पुत्र है, जिसने अपनी पत्नी शबाना खातून की रात्रि को डाणी में सो रही की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी, जिस पर पुलिस थाना धनाऊ ने मुकदमा दर्ज किया। और बाद अनुसंधान पुलिस ने मुलजिम सैफल के विरुद्ध धारा 302 के अंदर जुर्म प्रमाणित मानते हुए आरोप पत्र न्यायालय श्री में पेश किया, जिस पर न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या 2 में पदस्थापित पीड़ित अधिकारी पीयूष जी चौधरी ने सुनवाई करते हुए उसको चार्ज सुनाया। और आरोप सुनाने के पश्चात अभियोजन पक्ष की ओर से 29 गवाहों को न्यायालय में लेखबद्ध किया गया और उन गवाहों के आधार पर बहस सुनी गई। बहस सुनने के पश्चात मुलजिम सलीम पुत्र सैफल निवासी पूंजा सर को धारा 302 में दोषी मानते हुए उसको आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया गया। कोर्ट का फैसला कब है? कोर्ट का फैसला कल शाम को 5 बजे कोर्ट ने खुले न्यायालय में अनाउंस किया था। तो इस पूरी जिरे के अंदर हत्या करने के पीछे क्या वजह सामने? हत्या की वजह सामने ये आई अनुसंधान, पुलिस अनुसंधान से और गवाहों के बयानों से ये साबित हुआ कि जो सलीम था उसकी शादी शबाना खातून से हुई थी। उस शादी के कुछ समय बाद उसने पीहर जाने का कहा, जिस पर सलीम जो है मुलजिम वो आवेशित हो गया, उसको पीहर जाने से मना किया। उसके मना करने के बाद उसने जिद की जाने की, तो उसने आवेश में आकर के उसने कुल्हाड़ी से उसकी हत्या कर दी।